है संदीप फ्रॉम विगी हेयर सोल्यूशन। आज हम हेयर पैच और हेयर विग के इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानती हैं, अगर आप हेयर पैच या हेयर विग यूज़ करते हैं तो आपका न्यू लुक चेंज होकर आता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आप किसी से मिलने जुलने में या कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो सब सॉल्व हो जाती है इसमें। जैसे कि जो हेयर पैच यूज़ करते हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि आप पैच यूज़ करते हैं तो इचिंग, रैशेस एंड एलर्जी वाले सीन क्रिएट होते हैं, जो मैंने अपने क्लाइंटों से एनालाइज़ किया है। क्लाइंट बताते हैं कि हमें इचिंग होती है या पसीने में दिक्कत आती है या नहाने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों के तरीके होते हैं आपको, जैसे कि आप नहाते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है विग के साथ नहाने का। अगर आप रफली नहाएंगे तो आपके बाल उलझ जाते हैं और टूटते जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं ले पाते। अगर हेयर स्टाइल अपने हिसाब से लेना है और न्यू लुक चाहिए और स्टाइलिश बन के रहना है तो आपको कुछ ना कुछ केयर करनी पड़ेगी इसकी। इस केस में अगर आप फर्स्ट टाइम पैच लगाते हैं तो उस केस में ये होता है कि आपको 5 से 7 दिन उसके साथ कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। अगर आप उसके साथ 5 से 10 दिन में फैमिलियर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, फर्स्ट टाइम आपको 5 से 6 दिन का जो टाइम होता है उसमें ये होता है कि आपको इचिंग होना, पसीना आना और सिर पर भारीपन, तो उस केस में काफ़ी बंदे इरिटेट भी होते हैं और कई बंदे शिकायत भी करते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप 7 से 5 दिन 10 दिन का गैप दो और वो सब चीज़ सॉर्ट हो जाती है आपकी। और इचिंग रैशेस से डिपेंड करता है आपकी पैच की क्वालिटी पर। अगर पैच आपका जितना डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे। अगर पैच की क्वालिटी अच्छी होती हो, कम डेंसिटी में होती है, आप अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल ले सकते हो उसमें और किसी भी टाइम कोई सा भी स्टाइल ले सकते हो। और नेचुरल लुक लेने के लिए आपको आई थिंक कम डेंसिटी की पैच यूज़ करना चाहिए। और इसका जो सर्विस टाइम होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि 20 से 25 दिन गर्मियों में इसका सर्विस टाइम होता है। बट डिपेंड करता है कि आपको पसीना कितना आता है और आपका वर्क किस टाइप का है। अगर आपका हार्ड वर्कर हैं तो आपकी सर्विस 20-25 डेज में हो जाएगी। हाँ, बट आप पसीने को अवॉइड करते हो, पसीने वाली जगह पर नहीं जाते हो, ऐसा कुछ काम नहीं करते हो तो 30-35 डेज तक नॉर्मली चला सकते हो। उस केस में ये होता है कि आप आसानी से केयर कर सकते हो उसकी, उस चीज़ की। और आपका इसका बाथिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नहाने जाते हो तो एक मोटा कॉम्ब लेना होता है आपको। उससे क्या होता है कि आपके बाल नहीं उलझते। जैसे आपने सीधी सीधी डायरेक्शन में शैम्पू लगाना अपने सिर पे, मैच नहीं करना, उलझाना नहीं है बालों को। अगर आप उलझाते हैं तो बाल टूटते हैं आपके। बाल टूटते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल ले सकते हैं और टाइम से घर से नहीं निकल पाओगे इस केस में। अगर आप केयरफुली से शैम्पू और नहाना कर सकते हो तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आई थिंक। रीज़न क्या है कि मैक्सिमम बंदे क्या करते हैं कि हर डेली शैम्पू करते हैं या अपने हिसाब से नहाते हैं, बट उनका प्रोसेस ये गलत हो जाता है। आप इसमें 3 से 4 दिन में एक बार शैम्पू कर सकते हो ताकि इसकी गमिंग और मजबूती बनी रहे। अगर आपको हेयर पैच या हेयर विग को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं 100% उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश। अगर हेयर विग या हेयर पैच को लेकर आपके मन में कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती हो आपके साथ तो आप मेरे से व्हाट्सएप एंड यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। सब तरह से मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ आपको। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।